हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं साथ जोड़ा गया है। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपने प्लेनेट को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है, हम इस बार रिकॉर्ड वृक्षारोपण का लक्ष्य ले सकते हैं और केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसके रखरखाव की व्यवस्था करना। प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना है, प्रकृति के साथ जुड़ करके रहना है।